पाकिस्तान का शहर जेहलम, जिसका पुराना नाम जय आलम था। यहाँ बहुत से तारीखी विरसे और कीमती खजाने छुपे हैं, जिनमें से दो की तफसील और तारीख आज हम इस वीडियो में बयान करेंगे, जिनमें खेवड़ा साल्ट माइन और अलबैरूनी के खंडरात शामिल हैं। अलबैरूनी के खंडरात में वो मकाम शामिल है जहाँ अलबैरूनी ने बैठकर ज़मीन का रेडियस मालूम किया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस पॉइंट पर खड़े होकर छड़ी की मदद से अलबैरूनी ने ज़मीन का रेडियस मालूम किया और अलबैरूनी की लेबॉर्टरी जो आज भी वहाँ मौजूद है और अब वो किस हाल में है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ हम पहले बात करते हैं खेवड़ा साल्ट माइन की, जो जेहलम के एक पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। खेवड़ा नमक की कान, जिसे मयो नमक की कान भी कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड मयो ने वासराय हिंद के तौर पर यहाँ का दौरा किया। ये दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। ये कान 19 मंजिलों पर मुश्तमिल है, जिनमें से 11 जमीन के नीचे हैं। इस कान की सुरंगों की कुल लंबाई 40 किलोमीटर है और पहाड़ों में तकरीबन 730 मीटर तक फैली हुई है। खेवड़ा का नमक सुरख, गुलाबी, सफ़ेद और शफाफ होता है। ये कान अपने गुलाबी खेवड़ा नमक की पैदावार के लिए भी मशहूर है, जिसे हिमालयन साल्ट के तौर पर बेचा जाता है। इस कान की दरियाफ्त 320 कबल मसीह में सिकंदर आजम के फौजी दस्तों की मदद से हुई थी। कहा जाता है कि सिकंदर आजम अपनी हिंदुस्तानी मुहिम के दौरान जेहलम और मियाँवाली से गुजरा था। इस दौरान फौज के घोड़े पत्थरों को चाटने लगे और उनमें से बीमार घोड़े बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद तहकीक से पता चला कि ये नमक के पत्थर हैं। लेकिन इस कान से नमक की तजारत मुगल दौर में शुरू हुई, उसके बाद ये सिखों के कब्जे में चली गई। सिखों के बाद जब अंग्रेज हिंदुस्तान पर काबिज हुए तो उन्होंने इस कान को मजीद तरक्की दी। उन्होंने कान तक जाने वाली वाहद सड़क को हमवार बनाया, गोदाम बनाए, दाखिली रास्तों पर सुरंगों को बेहतर बनाया और नमक की खुदाई के लिए बेहतरीन तरीकाकार मुहैया किया और नमक की स्मगलिंग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की। खेवड़ा का नमक पाकिस्तान का मशहूर रॉक साल्ट है, जिसे खाना पकाने, गुसल के लिए, नमकीन पानी के लिए और कई संतों में खाम माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इससे बहुत से सजावटी और नुमाइशी चीज़ें भी बनाई जाती हैं, जिनमें लैंप, डाइनिंग टेबल, गुलदान, मुजस्मे वगैरह और इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया जाता है। खेवड़ा कान में देखने के लिए बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं, जिनमें खारे पानी के बेशुमार तालाब मौजूद हैं। एक बादशाही मस्जिद मौजूद है जो आज से तकरीबन 50 साल पहले तामीर की गई थी। इसे रंग बिरंगी नमक की टाइल से बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ छोटे छोटे फनपारे, जिनमें मीनारे पाकिस्तान की नकल, अलामा इकबाल का मुजस्मा, क्रिस्टल का एक जखीरा जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बनता है, चाइना की अजीम दीवारें, चीन का नमूना, माल रोड और बहुत कुछ मौजूद है। इसके अलावा साल्ट थेरेपी सेंटर भी बनाया गया है, जहां दमे और सांस की दीगर बीमारियों का इलाज किया जाता है। 2010 में पूरे पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों के दौरान करीबी नाले से पानी कान के अंदर दाखिल हो गया और ये तकरीबन कई फुट की गहराई तक नीचे पहुँच गया था, जिससे बाहर निकलने वाले रास्ते बंद हो गए और इससे कान को भी बंद करना पड़ा और बाद में इसे खोल दिया गया और ये आमतौर पर हमेशा खुली ही रहती है। इस कान की सालाना पैदावार तकरीबन 385,000 टन है, जो कि निस्फ बताई जाती है। कहा जाता है कि ये कान आइंदा 350 साल तक इतनी ही पैदावार देती रहेगी। यहाँ सालाना तकरीबन 2.5 लाख सयाह सैर करने आते हैं। जेहलम में दूसरे नंबर पर अलबैरूनी की लेबॉर्टरी है। ये जिला जेहलम की तहसील पिंडदादन खान में मौजूद एक ऐसा खंडरनुमा पहाड़ी इलाका, जिसे नंदना कहते हैं। यहाँ हिंदू शाही बादशाहों की हुकूमत रही है, जिन्हें 11वीं सदी में महमूद गजनवी ने यहाँ से निकाल दिया था। नंदना के खंडरात में अलबैरूनी की लेबॉर्टरी मौजूद है। नंदना का किला, जहाँ अलबैरूनी ने अपना साइंसी काम किया, ये एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर वाके है, जो जमीन से तकरीबन 1600 फुट की बुलंदी पर मौजूद है। यहाँ उन्होंने आज से 1000 साल पहले छड़ी की मदद से ज़मीन का मुहीत मालूम किया था। अबू रेहान मोहम्मद अलबैरूनी, जिन्हें अलबैरूनी के नाम से ही जाना जाता है, 9 सितंबर 973 को पैदा हुए। अलबैरूनी एक अजीम मुहक्किक और मुस्लिम साइंटिस्ट था, जो ख्वारज्म के इलाके में पैदा हुआ। अलबैरूनी एक माहिर फलकियात, रियाजीदान और फ़िलासफ़र था। ये तिबियात और कुदरती साइंस का भी मुताला करता था। इन्होंने अपनी साइंसी काम में तकरीबन तमाम अलूम पर तवज्जो दी। इनकी मशहूर तसनीफ अल हिंद है। उन्होंने दुनिया की तारीख में पहली बार ज़मीन का मुहीत मालूम किया और उन्होंने छड़ी की मदद से जो यहाँ ज़मीन का मुहीत मापा था, वो पैमाइश आज के इस साइंसी दौर में भी दुरुस्त है। आज के मशीनी दौर में सिर्फ चंद पॉइंट का फ़र्क है। अलबैरूनी की इस लेबॉर्टरी को सबसे पहले बरतानवी आसार कदीमा के माहरीन ने तलाश किया था, लेकिन हमारे मुल्क के माहिरीन और आसार कदीमा ने इसके लिए कभी कुछ नहीं किया, इसलिए ये एक खंडरनुमा हालत में मौजूद है, जहां सिर्फ लोग अपनी बकरियां चराने के लिए जाते हैं।
लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत इसकी बहाली पर काम शुरू करना चाहती है ताकि लोग इसके बारे में जान सकें और गैर मुल्की सयाह भी यहाँ आ सकें और ये कीमती साइंसी विरासत हमेशा महफूज रह सके। अब यहाँ 160 बिलियन रुपए की एक प्रोजेक्ट की मदद से इसे दोबारा बहाल किया जा रहा है और बैनुल अक्वामी सतह पर एक साइंसी विजिटिंग साइट के तौर पर पेश किया जा रहा है।